नमस्कार, आप देख रहे स्रोत दर्पण न्यूज़। आपको दिखाते हैं बड़ी खबर। माइनॉरिटी ह्यूमन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से किया गया AIMSC के पदाधिकारियों का स्वागत समारोह। फिरोजाबाद 15 नवंबर 2020 माइनॉरिटी ह्यूमन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से एक स्वागत समारोह का आयोजन 60 फुट रोड पर किया गया, जिसमें ऑनलाइन इंडिया माइनॉरिटी स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारियों का इस्तकबाल किया गया, जिसमें सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अजीमुद्दीन एडवोकेट साहब और राष्ट्रीय सचिव जनाब सादिक अली साहब और कोषाध्यक्ष जनाब जाहिद हुसैन साहब और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनाब हर्षद खान अर्जवी साहब व दीगर पदकार की भी मौजूद रहे। इस प्रोग्राम में मसीहा सोशल एक्टिविस्ट वेलफेयर सोसाइटी के सेक्रेटरी जनाब वसीम अलीब साहब और सोशल अवेयरनेस एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राष्ट्रीय सचिव जनाब अब्दुल कादिर साहब आसिफ इकबाल साहब का स्वागत किया गया, जिसमें समाज के सम्मानित व्यक्तियों ने शिरकत की। इसमें सोसाइटी के जिम्मेदार का स्वागत किया गया। संस्था के फाउंडर नूरुल इस्लाम साहब ने माइनॉरिटी ह्यूमन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के जिम्मेदार लोग मौजूद रहे। उन्होंने सभी पदकारियों का साल उड़ाकर वो माला पहनाकर उनका सम्मान किया। इस मौके पर सभी सम्मानित लोगों ने तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल किया। इसमें प्रमुख रूप से अरशद वारसी, खालिद अली, जावेद असलम, अनश, आदिल रजा, मोहम्मद इस्लाम, शाहनवाज आदि लोग मौजूद रहे। फिरोजाबाद से तशरीह रिपोर्ट, मोहम्मद शान। एमसा के सचिव के तौर पर चुना गया हूँ और आज जो है उसको यहाँ पर माइनॉरिटी वुमेन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा हमारा स्वागत किया गया है, जिसके लिए मैं नूरुल इस्लाम साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और अपने तमाम साथियों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने ये जो हमने प्रोग्राम लगाया था उसको करने में हमारी जो मदद की, कंधे से कंधा मिलाए रखा और एक अच्छा प्रोग्राम लगाने में हम लोगों के साथ रहे। मैं आगे दुआ करता हूँ कि हमारी सोसाइटी ऐसे ही समाज की भलाई के लिए कार्य करती रहे, इंशाल्लाह।